हेलो नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का JCC एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आखिरकार नोटिफिकेशन काउंसलिंग का आ ही गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इम्पोर्टेंट नोटिसेस में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज को जो मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जो दो चार मिनट है ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए कि आपको क्या करना है, पेमेंट कब होगा, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कॉलेज कब मिलेगा, क्या बार बार पेमेंट करना है हर काउंसलिंग के लिए, या फिर काउंसलिंग के लिए सीट कब मिलेगा, कैसे एडमिशन करना है, सब कुछ A to Z मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों यह जो ऑफिशियल नोटिस है वह 24 अगस्त 2023 यानी कि आज रिलीज हुआ है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा हुआ जो कि आपको ध्यान से देखना चाहिए कि 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ, 19 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, 28 अगस्त को से स्टार्ट हो रहा काउंसलिंग। एक्चुअली एक बार मैं पढ़ लिया हूँ ताकि आप सभी के लिए जो वीडियो मैं बनाऊँ तो अच्छे से आपको इन्फॉर्म कर सकूँ और कुछ भी चीज़ मुझसे मिस आउट ना हो। दोस्तों आपका जो पेमेंट का मेथड होगा वो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। किनको कितना पेमेंट करना है देखिए ध्यान से, कि अगर आप जनरल EWS BC1 या BC2 के बॉय हैं, अगर आप बॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका जो कास्ट है वह जनरल कास्ट है, EWS है, BC1 या BC2 है, तो आपको पेमेंट करना है 400 रुपीज़। अगर आप किसी भी कास्ट के गर्ल कैंडिडेट हैं और ST हैं या फिर SC बॉय हैं तो आपको पेमेंट करना है 250। क्लियर आपको कितना पेमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वह स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से, यानी 4 दिन बाद। 28 अगस्त से शुरू होगा, 2 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख को भी आप अपना काउंसलिंग के लिए फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग ऑनलाइन फिल करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 काउंसलिंग होता है मेनली। 4 काउंसलिंग तब होता है जब मॉपअप राउंड उसको कहते हैं, तब होता है जबकि कुछ सीट्स बच जाते हैं, ठीक है। मैं भी वो भी समझाऊंगा आपको आगे वीडियो पर, ध्यान से अभी देखिए। 28 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 3 तारीख को मान लीजिए कि कुछ एडिट करना है आपको, तो वह कब कर सकते हैं, 3 तारीख को, ठीक है। 5 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मन है आपके जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस पर एडमिशन लेने का, तो आप 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप चले जाएँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वह मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी बताऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि न्यू स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग में सीट ना मिले या फिर मनपसंद सीट ना मिले, मनपसंद कॉलेज ना मिले, तो अब वो क्या कर सकते हैं। 14 सितंबर 2023 को सीट वैकेंट डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितना सीट बच जाता है वह डिस्प्ले किया जाएगा आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए 14 सितंबर को। 15 से लेकर के 18 तक आप अपने चॉइसेस भर सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए। 19 तारीख को एडिट कर सकते हैं और फिर 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में, सॉरी 21 तारीख को डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि सेकेंड काउंसलिंग में आपको कौन सा सीट मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है। आप 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए सेकेंड में भी किन्हीं को एडमिशन नहीं लेना है, तो फिर वो वेट करेंगे थर्ड काउंसलिंग का। थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगा 29 तारीख से। 29 तारीख को डिस्प्ले किया जाएगा सीट वैकेंट कितना बच गया, सीट फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बाद कितना सीट बचा है वो डिस्प्ले किया जाएगा। 30 तारीख से लेकर के 5 अक्टूबर तक आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए फिल कर सकते हैं अपने चॉइसेस। 6 तारीख को एडिट कर सकते हैं। 9 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला आपको थर्ड काउंसलिंग में। 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए आपको। आप बेफिक्र होकर काउंसलिंग के लिए भर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए मुझसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हेल्प करूं इस मामले में, तो आप बहुत ही मिनिमल फ़ी पे करके आप मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपका जो फ़ी पेमेंट है वह ना रुके, क्योंकि पिछले बार ऐसा हो रहा था कि 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है, लास्ट डे भी कुछ लोग अब फिल कर रहे हैं, वो अपने डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से किसी तरह से लो नेटवर्क होने के कारण या फिर किसी तरह से अगर पेमेंट फंस जाता है तो फिर वो प्रोसेसिंग में चला जाता है और फिर वह स्टूडेंट चाहते हुए भी अपना नहीं कर पाते हैं काउंसलिंग। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपका फ़ी पेमेंट करूँ और इसके अलावा मैं आपके ये चॉइसेस भरूं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो मैं वह करने के लिए तैयार हूं। एक मिनिमल फ़ी के साथ आप मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।